हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से ये आपको प्रश्न बैंक की एक सीरीज दी जा रही है जो उत्तर सहित है, जिसमें सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हैं। तो ये हमारा 10th क्लास का इंग्लिश मीडियम है 2021 और 2022 का। ये GBI पब्लिकेशन का है, इसके आप प्रिंट आउट मत निकालना क्योंकि ये प्रिंट आउट आपको कॉस्टली पड़ेंगे। आप मार्केट में जा कर के इसको परचेस कर सकते हो। ये हमारी जो है वो 20 से 25 रुपए तक के आसपास में एक परीक्षा बोध आ रही है। अगर आप 6 सब्जेक्ट की लोगे तो ये आपको 100 से 140 रुपए तक के बीच में पड़ जाएगी। अगर हम और देखते हैं तो ये हमारे बलास्ट कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब का पेज है, जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को। अगर आप प्लेलिस्ट में जा करके देखोगे तो 10th क्लास वालों के लिए हमने 3 प्लेलिस्ट जनरेट करके रखी हैं अभी। एक है 10th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक, दूसरा है फिर इसके लिए 10th क्लास क्वेश्चन बैंक MP बोर्ड, और तीसरा है हमारा 10th क्लास परीक्षा बोर्ड 2022। तो ये तीनों सीरीज आपको देख लेनी है, जिससे कि आपके सारे MCQ कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग आपको MCQ दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि MP बोर्ड में 40% हमारे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, यानी 80 मार्क्स के जितने भी पेपर होंगे उन सब में 32 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 10 मार्क्स का हमारा अनसीन पैसेज आने वाला है। तो ये तो अनसीन होगा तो आपको खुद को करना है। उसके बाद में ये 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी, और ये 12 मार्क्स के आपके सेक्शन डी यानी टेक्स्ट बुक से होगा। तो 12 और 10 22, तो ये 22 मार्क्स ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूं तो ये हमारा पहला सेक्शन है रीडिंग वाला, जो कि हमारे ये अनसीन पैसेज हैं। तो ये कुछ भी हो सकते हैं अनसीन पैसेज में, तो इनमें से आप प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। ये सारा आपको टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम लोग सीधा चलते हैं सेक्शन सी यानी ग्रामर पे। ये सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन, इसको भी आप लोगों को देख लेना है। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो ये आपको राइटिंग सेक्शन भी मैं एक अलग वीडियो में आपको सेपरेट ही बता दूंगा। अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। और अगर ऊपर की तरफ आते हैं तो थोड़ा ये आगे हम सेक्शन सी पर, जो कि हमारा ग्रामर। ठीक है, तो जो ग्रामर है उसमें से हमारे एक क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क्स का होगा, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, और ये इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा फिलर्स, तो इसको हमें भरना है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ही नाउ द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो इनमें से हमें पिक करना है कौन सा, तो इसका आंसर आएगा ही नाउ द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। सेकेंड है हमारा हिज ब्रदर इज RJ इन लोकल रेडियो चैनल, तो इसका आंसर क्या आएगा, हिज ब्रदर इज NRJ। इसका आर्टिकल क्या आएगा, NAN, तो NRJ इन लोकल रेडियो चैनल। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो इसका आंसर क्या आएगा, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल। फोर्थ आएगा ही हैज मैनी प्ले, तो इसका आंसर आएगा ही हैज रिटन मैनी प्लेस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, आई टेक योर पेन, तो इसका आंसर क्या आएगा, फिफ्थ वाले का आएगा मे आई टेक योर पेन। सिक्स वाला है वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल, तो इसका आंसर आएगा सिक्स वाले का वी आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। सेवन्थ है हमारा वेन आई वॉज यंग आई क्लाइम ट्रीज, तो इसका आंसर आएगा वेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइम ट्रीज। एट्थ आएगा आई हैव नॉट बॉट मिल्क टूडे, तो इसका आंसर क्या आएगा, आई हैव नॉट बॉट एनी मिल्क टूडेज। नाइन्थ है हमारा हाउ स्टूडेंट्स आर प्रजेंट इन टूडे, तो इसका आंसर आएगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रजेंट टूडे। टेंथ है हमारा हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, तो इसका आंसर आएगा हमारा हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। इसको आपको जब भी फ्री टाइम होता है तब आपको पढ़ लेना है, जैसे वीडियो को आपको देख लेना है, और जब आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है तब भी देख सकते हो। आप दूसरी कोई एक्टिविटी करते भी देख सकते हो, जिसका जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद भी होंगी। एक और आप इसका यूज़ कर सकते हो कि जैसे ही मैं आपको पढ़ के बताता हूँ तो थोड़ा सा गैप हो जाता है आंसर देने में, तो जैसे ही मैं पढ़ता हूँ उतने में आप खुद से ही आंसर बोल लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे वो हम क्लासों में करते हैं ना कि एक माँ हमको पूछता है और हम उसको आंसर देते हैं, तो वैसे ही आप खुद से कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर का, द अर्थ राउंड द सन। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, द अर्थ मूव राउंड द सन। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मूव्स। उसके बाद में नेक्स्ट है 12th, तो ही ऑलवेज ऑन टाइम। तो इसका आंसर आएगा, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। 13 है हमारा, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 13 वाले का, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। 14 है हमारा, अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। फिर 15 वाला हमारा, हिज फादर इज MLA। तो इसका आंसर आएगा, हिज फादर इज NMLA। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन। तो ये हमारा, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर 17 है हमारा, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 ईयर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 ईयर्स। 18 है हमारा, दे विल गो टू दिल्ली मंडे। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 18 वाले का, दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। 19 है हमारा, वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल। तो इसका आंसर आएगा हमारा, वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। 20 है हमारा, हिज अंकल डाइड कैंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर। 21 है हमारा, ही इज अफेयर्ड डॉग। तो इसका आंसर आएगा, ही इज अफेयर्ड ऑफ डॉग। 22 है हमारा, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस IML। तो इसका आंसर आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज IML। नेक्स्ट है हमारा 23rd नंबर का क्वेश्चन। तो ये हमारा, यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। 24th है, आई प्रिफेयर कॉफ़ी टी। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, आई प्रिफेयर कॉफ़ी टू टी। नेक्स्ट है हमारा 25, द पेशेंट हैज़ डेड द डॉक्टर अराइव। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 25th का आंसर आएगा हमारा, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर अराइव। 26 है हमारा, भोपाल इज लार्जर ग्वालियर। तो इसका आंसर आएगा हमारा, भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। 27 है, वी वर मेकिंग काइट्स वेन फादर। तो इसका आंसर आएगा, वी वर मेकिंग काइट्स वेन फादर अराइव्ड। 28 है, डोंट लीव दिस प्लेस आई कम बैक। तो इसका आंसर आएगा हमारा, डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। 30 है, सी गो टू टेम्पल एवरी डे वेन सी लिव इन विलेज। तो इसका आंसर आएगा हमारा, सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे वेन सी लिव इन विलेज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, ही वॉन्ट टू एन इंजीनियर। तो इसका आंसर आएगा, ही वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। 32 है, माई फादर इज अ टीचर। तो इसका आंसर आएगा, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। नेक्स्ट है 33, ही अवॉइड टू स्ट्रेंजर। तो इसका आंसर आएगा, ही अवॉइड टू टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। ये यहाँ पे स्लैश होगा और ये टॉकिंग अलग है, तो इसका आंसर आएगा, ही अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 34, तो इसका आंसर है, गुड विल नॉट बी टेकन बैक। तो इसका आंसर क्या आएगा, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। 35 है, आई हेयर्ड सम किड्स फॉर हेल्प। तो इसका आंसर हमारा आएगा, आई हेयर सम किड्स शंट फॉर हेल्प। 36 है, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसका आंसर आएगा हमारा, वर्क हार्ड और यू विल फेल। फिर नेक्स्ट हमारा 37, तो इसका आंसर ये हमारा, ही इज आर लेट। तो इसका आंसर आएगा, ही इज एन आर लेट। 38 है, प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। तो इसका आंसर आएगा हमारा, प्लीज स्प्रेड अ लिटिल
बटर ऑन ब्रेड 39 है, ही हैज़ गिवन स्मोकिंग, तो इसका आंसर आएगा हमारा ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। 40 हमारा वी वियर मास्क इन क्राउड प्लेस, तो इसका आंसर आएगा वी शुड वियर मास्क इन क्राउड प्लेस। तो ये इन सारे 40 क्वेश्चनों के हमारे आंसर हैं, इनको आप चाहो तो PDF लेकर के भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है डू एस डायरेक्ट, तो पहला है ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। सेकंड है हमारा द बॉय इज माय कजन, द बॉय हैज़ वॉन द रेस, कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज, तो इसका आंसर आएगा द बॉय हैज़ वॉन द रेस इज माय कजन। थर्ड है हमारा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो इसका आंसर आएगा इफ यू डू नॉट रॉट हार्ड यू विल फेल। फोर्थ है हमारा अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम ईजली, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो और दैट, तो इसका आंसर आएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एग्जाम ईजली। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ है दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका आंसर आएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। सिक्स है सी स्पीक द ट्रूथ चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। सेवन्थ है हमारा दे हैव बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंबाइंड टेंस, तो इसका आंसर आएगा दे हैड बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग, क्या आएगा दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। उसके बाद में एट्थ है हमारा ही इज टू इल टू गो स्कूल, री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो और दैट, तो इसका आंसर आएगा हमारा ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। नाइन्थ है हमारा क्वेश्चन द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, तो इसका आंसर क्या आएगा द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टेंथ क्वेश्चन, ये है आई एम इल आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो, तो इसका आंसर आएगा आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन, तो ये है ही टीचेस हिंदी चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका आंसर आएगा हिंदी इज टॉच टू अस बाय हिम। नेक्स्ट है हमारा 12 चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका आंसर आएगा द टॉयस आर बीइंग मेड बाय द बॉयस। 13 है हमारा इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल रीअरेंज द वर्ड टू मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसका आंसर आएगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। नेक्स्ट है हमारा 14 दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, तो इसका आंसर आएगा हमारा 14 का दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन, तो ये हमारा सी शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा सी डिड नॉट शट द डोर। 16 है ही हैज टेकन टी चेंज द इंट्रोगेटिव, तो इसका आंसर आएगा ही नहीं हैज ही टेकन अ टी। फिर नेक्स्ट हमारा 17 सी लिव्ड इन शिवपुरी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो इसका आंसर आएगा डिड सी लिव इन शिवपुरी। 18 नंबर का क्वेश्चन है अनीता रीड द रामायण एवरी डे चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन टी इज टू हॉट टू ड्रिंक री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो इसका आंसर आएगा टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। 20 नंबर का क्वेश्चन है अनलेस इट रेन वी सेल गो टू स्कूल री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो इसका आंसर आएगा इफ इट रेन्स वी शुड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा 21st, तो ये है क्वेश्चन हमारा इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, और इसको हमें चेंज करना है क्वेश्चन को री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस, तो इसका आंसर आएगा हमारा अनलेस सी कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर।
22वें नंबर का क्वेश्चन है, सी इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो इसका आंसर आएगा हमारा 22 वाले का, ही इज रिच यस ही इज अनहैप्पी। नेक्स्ट है 23rd, दे प्ले विल दे कुड नॉट विन द मैच, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग थर्ड। तो इसका आंसर आएगा हमारा 23rd वाले का, थर्ड दे प्लेइंग वेल दे कुड नॉट विन द मैच। नेक्स्ट हमारा 24, तो 24 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, री राइट द सेंटेंस यूजिंग कंपेरेटिव। तो इसका आंसर आएगा हिंदी इज ईजियर देन इंग्लिश। 25th है, ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इंटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका आंसर आएगा ही टीच इंग्लिश। अगर ये आपको लगता है कि मैंने जल्दी जल्दी करा दिया, तो आप यहाँ से वीडियो को एक बार और देख सकते हो, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि जितनी बार देखोगे तो आपको सेंटेंस ऐसा परफेक्ट याद हो जाएगा यानी रटा जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में सही करके आ जाओगे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी। तो सेक्शन डी के भी ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। तो लिटरेचर के जो ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा तो ये है अ लेटर टू गॉड। तो इसके भी हम लोग देख लेते हैं, पहला हमारा क्या है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये किसने पढ़ा लेटर, तो द पोस्ट मास्टर। सेकेंड है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है जी एल फेंटेस। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बंच ऑफ क्रुक्स। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, हाउ मच मनी वाज अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 70 पेसेस। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर का, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 100 पीसेस। नेक्स्ट हमारा 6, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। तो इसका आंसर आएगा सॉल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7th, तो ये हमारा लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड। तो आंसर आएगा कॉर्न। 8th है हमारा, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। तो इसका आंसर आएगा हमारा टॉप ऑफ अ हिल। 9th है हमारा, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेनड्रॉप विथ। तो ये किससे कंपेयर करता है, न्यू कॉइंस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 10th, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा, हेल स्टोन्स। 11th है, लेंचो हैड फेल्ट इन। तो इसका आंसर आएगा, लेंचो हैड फेल्ट इन द गॉड। नेक्स्ट हमारा 12, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। तो इसका आंसर क्या आएगा, टू सेव हिज फैमिली। नेक्स्ट हमारा 13, लेंचो रॉट अ लेटर टू। तो इसका आंसर क्या आएगा, टू गॉड। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पोएम। तो ये है हमारा डस्ट ऑफ स्नो पोएम, 1st है। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट हमारा 15, व्हाट डिड द काउ सेक ऑन द पोएट। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट है 16, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। तो इसका आंसर आएगा, क्लीनिंग हिज मूड। नेक्स्ट हमारा 17, वेयर वाज द क्रो सिटिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, 17 वाले का, तो ऑन द हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट हमारा 18, व्हाट इज द पोएट सेव इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका आंसर क्या आएगा, सम पार्ट ऑफ द डे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फायर एंड आइस, ये पोएम 1st का ही पार्ट है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। तो किसने लिखी थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट हमारा 20, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पेन। नेक्स्ट है 21, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डिजायर। नेक्स्ट हमारा 22, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डाइड।
नेक्स्ट है 23, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड ऑन द डे, तो इसका आंसर क्या आएगा, वर्ल्ड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 24, तो जो 24 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा नेल्सन मंडेला से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, तो इसका आंसर क्या आएगा 24th वाले का, हमारा जो नेल्सन मंडेला है उनकी करेज क्या थी, तो इसका आंसर आएगा हमारा ट्रंप ओवर फियर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 25th, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो इसका आंसर आएगा इट्स पीपल। नेक्स्ट हमारा 26, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो इन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, तो इसका आंसर आएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है 27, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। नेक्स्ट है 28, व्हाट चेंज ब्रॉड इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एंड ऑफ अपार्टहाइड। नेक्स्ट है हमारा 29, तो ये हमारा हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक, तो इसका आंसर क्या आएगा पेट्रियट्स। नेक्स्ट है हमारा 30, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशनल्स क्रिएट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 30 का हाइट ऑफ करेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा 31, अमन हु टेक अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज, तो इसका आंसर क्या आएगा अ प्रिजनर्स ऑफ हेट्रेट। नेक्स्ट हमारा 32, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट, तो इसका आंसर आएगा हमारा लव। 33 हमारा, विच फ्लेम कैन नेवर एग्जिस्टिंग्विश, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा मैंस गुडनेस। नेक्स्ट हमारा 34, तो ये हमारा द स्पेक्टुलर अरे ऑफ द साउथ अफ्रीकन जेट वाज डिप्लॉयड बाय, तो इसका आंसर आएगा हमारा मिलिट्री। नेक्स्ट हमारा 35, नेल्सन मंडेला वाज अकंपनीड बाय, तो ये किसके द्वारा अकंपनीड किए गए, हिज डॉटर। नेक्स्ट हमारा 36, तो ये हमारा हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, तो इसका आंसर आएगा जैनम। नेक्स्ट है हमारा आ टाइगर इन द जू, ये हमारी सेकंड पोएम है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू, तो इसका आंसर आएगा हमारा लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट है हमारा 38, द टाइगर लुक एट, तो टाइगर किसकी तरफ देख रहा है, तो इसका आंसर आएगा स्टार्स। 39 है, हु पासिस नियर द वाटर होल, तो इसका आंसर आएगा डियर। नेक्स्ट है 14 नंबर का, किस टाइगर द विजिट्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो किस टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स। नेक्स्ट है 41, वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, तो इसका आंसर क्या आएगा इन द शेडोज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो इसके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लिम्स ओ फ्लेरिटी। नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन, तो ये हमारा व्हाट वाज द सीगल्स अफेयर्ड ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फ्लाइंग। नेक्स्ट है 44, व्हाई वाज सीगल्स एग्जॉस्टेड, तो इसका आंसर आएगा हमारा ड्यू टू स्ट्रेंच एक्सरसाइज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 45, हु गेव द सीगल स्मॉल पीसेस ऑफ फिश, तो इसका आंसर आएगा मदर ऑफ सीगल्स। नेक्स्ट है 46, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर्स गेट फॉर इट, तो इसका आंसर आएगा हमारा 46 के ऑब्जेक्टिव, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फिश। नेक्स्ट है 47, व्हाई डिड मदर सीगल्स स्टॉप मिड वे व्हाइल गिविंग फिश, तो इसका आंसर आएगा टू पुश हिम टू फ्लाई। नेक्स्ट है 48, द साइट ऑफ मैडनेस सीगल्स, तो इसका आंसर आएगा फूड। नेक्स्ट है 49, तो ये व्हाट डिड हिज पेरेंट्स ट्रीटेन हिम विथ, तो इसका आंसर आएगा टू स्टार्व हिम। नेक्स्ट है 50,
द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइज इज अबाउट, तो ये किसके बारे में, सीगुल्स। नेक्स्ट हमारा 51, व्हाट वर द सीगुल्स स्लिबलिंग डूइंग अराउंड हिम, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्लाइंग। नेक्स्ट है 52, व्हाट डिड द सीगुल्स प्रिटेंड, तो इसका आंसर आएगा फॉलिंग एस्लीप। नेक्स्ट हमारा 53, तो ये हमारा नोबडी कम नियर द सीगुल्स फोर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54, द यंग सीगुल्स हैड लैक ऑफ, तो इसका आंसर आएगा करेज। नेक्स्ट हमारा 55, हु वाज अलोन ऑन द लेग, तो इसका आंसर आएगा यंग सीगुल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्लैक एरोप्लेन्स, तो 56 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये किसके कारण है, ड्यू टू स्टॉर्म। 57 है, व्हाई डिड द पायलट कॉल्ड पेरिस कंट्रोल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पेरिस कंट्रोल में पायलट ने क्यों किया, तो ये आएगा फोर डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा 58, द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनी थिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, द पायलट वॉज नॉट एबल टू सी एनी थिंग। नेक्स्ट है हमारा 59, विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्लेन स्टॉप वर्किंग फर्स्ट, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा कंपास ने सबसे पहले वर्किंग बंद कर दी थी। नेक्स्ट हमारा 60, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, तो इसने क्या रिस्क ली, फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म। 61 है, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे बैक, तो उसने कहाँ कॉन्टैक्ट किया, तो इसका आंसर आएगा पेरिस। नेक्स्ट है 62, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू, तो पायलट ने कहाँ से कहाँ तक की उड़ान भरी, तो इसका आंसर आएगा इंडिया टू फ्रांस। नेक्स्ट है 63, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, तो इसके ऑथर कौन है, तो इसके हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। नेक्स्ट है 64, व्हाट लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टॉर्म्स क्लाउड्स। नेक्स्ट है 65, हाउ फार वाज पायलट फ्रॉम द पेरिस व्हेन ही सॉ ब्लैक क्लाउड्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, 150 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा 66, इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो बैक एरोप्लेन, तो ये कौन सी डायरेक्शन में था, तो आंसर आएगा नॉर्थ। नेक्स्ट है 67, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लाउन बाय द पायलट, तो प्लेन का क्या नाम था, तो इसका आएगा डकोटा। नेक्स्ट है 68, द वूमेन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म्ड दैट, तो इसका आंसर क्या आएगा, देयर वॉज नो अदर प्लेन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द बॉल पोएम, तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, हु हैज़ कंपोज द बॉल पोएम, तो इसका आंसर क्या है, जॉन बैरनमैन। नेक्स्ट है हमारा 17, वेयर वॉज द बॉय स्टारिंग डाउन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, द हार्बोर। नेक्स्ट हमारा 71, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट, तो कितनी कॉस्ट थी, तो इसका आंसर आएगा 1 डाइम। नेक्स्ट है हमारा 72, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, तो इसका आंसर आएगा हमारा अ बॉल। नेक्स्ट है 73, वेयर डज द बॉल गो, तो इसका आंसर आएगा इन वाटर। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इन एनेस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, तो इसका आंसर आएगा हमारा हर डायरी। नेक्स्ट है 75, विच ऑफ दीज नेम डिड एने गिव टू हर डायरी, तो क्या दिया, किट्टे। नेक्स्ट है 76, विच ऑफ दीज असाइन एने एन एसे ऑन द सब्जेक्टिव अ चैटर बॉक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, मिस्टर केसिंग। नेक्स्ट है 77, अन्य डिसाइड टू राइट अ डायरी बिकॉज, तो इसका आंसर आएगा सी हैड नो क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा 78, विच ऑफ दीज इज द ट्रू अबाउट अन्य, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो सी वाज आउट स्पोकन। नेक्स्ट है 79, मिस्टर केसिंग आस्क अन्य टू राइट एन एसे एस, तो इसका आंसर आएगा अ पनिशमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन, तो ये है हु वाज मिस्टर केसिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा,
हर टीचर। नेक्स्ट है 81, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर किशिंग, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव। नेक्स्ट है 82, व्हाट वाज मार्गरेट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा हर सिस्टर अन्ने फ्रैंक। उसके बाद में नेक्स्ट है द 100 ड्रेसेस, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर का, तो यह हु लिव इन बोगीस हाइट, तो बोगिन्स हाइट, तो इसका आंसर क्या आएगा वांडा। नेक्स्ट 84, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब द प्लेस बोगिन्स हाइट्स, तो इसका आंसर आएगा मडी एंड अनक्लीन। नेक्स्ट है हमारा 85, व्हाट वाज वांडास ट्रू नेम, तो इसका ट्रू नेम क्या था वांडा पेट्रोंसी। नेक्स्ट 86, हाउ मैनी ड्राइंग डिड वांडास ड्रॉ, तो इसका आंसर आएगा हमारा 100। नेक्स्ट हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन, तो हु डिड मैडीज थिंग्स वुड विन द कॉन्टेस्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा पैगीज। नेक्स्ट है 88, पैगी क्राइड फॉर आर इफ, तो इसका आंसर क्या होगा एनिमल्स वर मिस्ट्रेटेड। नेक्स्ट हमारा 89, विच क्लासरूम डिड चिल्ड्रन सिट इन, तो इसका आंसर आएगा हमारा रूम 13। नेक्स्ट हमारा 90, वेयर इज़ द क्लासरूम डिड वांट सिट, तो इसका आंसर है हमारा द लास्ट रो। नेक्स्ट है 91, व्हाई डिड वांडास से सी हैड द 100 ड्रेसेस, तो इसका आंसर आएगा हमारा 91 का, बिकॉज सी हैड द डिज़ाइन ऑफ 100 ड्रेसेस इन हर माइंड। नेक्स्ट है 92, व्हाई डिड वांडास यूज टू सिट इन द लास्ट रो, तो इसका आंसर आएगा हमारा बिकॉज हर फीट वर कवर्ड इन डर्ट एंड मड। नेक्स्ट हमारा 93, इन वार्ड वे पैगीज वाज क्रूअल टू वांडा, तो इसका आंसर आएगा हमारा सी यूज टू बुले हर। नेक्स्ट है 94, हु रॉट द नोट टू मिस मैसन, तो इसका आंसर आएगा हमारा वांडास फादर। नेक्स्ट है 95, हु वाज मोर अनऑक्सियस फॉर रिप्लाई फॉर फ्रॉम वांडास, तो इसका आंसर आएगा हमारा मैडीज। इसके बाद में नेक्स्ट है हु फेल्ट हर सेल्फ, नेक्स्ट है 96, हु फेल्ट हर सेल्फ कवर्ड आफ्टर वांडा लेफ्ट स्कूल, तो इसका आंसर आएगा हमारा मैडीज। नेक्स्ट है 97, व्हाट वाज द कलर ऑफ ड्रेसेस इन पैगीज डिज़ाइन, तो इसका आंसर आएगा ग्रीन। नेक्स्ट है 98, व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन ऑन द रिसीविंग द ड्राइंग, तो इसका आंसर आएगा सेड। नेक्स्ट है 99, हाउ डिड मैडीज नाउ दैट द वांडा हैड ड्रॉन द ड्रेसेस फॉर हर, तो इसका आंसर आएगा द गर्ल बियरिंग द ड्रेस लुकिंग लाइक मैडीज। नेक्स्ट है 100, वांडा वाज मेड फॉर फन ऑफ फोर, तो इसका आंसर आएगा हर एप्रियंस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101, तो ये है हमारा अमांडा पोएम से, तो ये है हमारा द पोएम अमांडा इज कंपोज बाय, तो किसके द्वारा कंपोज की गई रॉबिन केलिन। नेक्स्ट है हमारा 102, स्टॉप द स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, विच ऑफ दीज ट्री विच ऑफ दीज फिगर्स ऑफ द स्पीच हैज द पोएट यूज इन द अबव लाइन, तो इसका आंसर आएगा एलिटरेशन। नेक्स्ट है 103, विच ऑफ दीज कॉज एन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम अमांडा, तो इसका आंसर क्या आएगा ईटिंग चॉकलेट। नेक्स्ट है उसके बाद में 104, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, तो इसका आंसर क्या आएगा स्वीट्स। नेक्स्ट है 105, विच ऑफ दीज मैसेज डज द पोएट वांट टू कवर थ्रू द पोएम अमांडा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा चिल्ड्रंस शुड बी गिव फ्रीडम। नेक्स्ट है हमारा 106, द पोएम अमांडा इज अबाउट, तो ये किसके बारे में है, तो इसका आंसर आएगा चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा 107,
अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फेन, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू इन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फेन हैज़। नेक्स्ट है 108, व्हाट मेड अमांडा सल्क एंड मडी, तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन हर मदर गेव हर टू मैनी इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है 109, व्हाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट्स, तो इसका आंसर है इट कॉज एक्ने। नेक्स्ट है 110, व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन सी पिक्चर्स हर सेल्फ इन अ टावर, तो इसका आंसर आएगा रेपुंजल। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 111 क्वेश्चन, तो इसमें हमारा हु हैज़ कंपोज द पोएम एनिमल्स, तो ये हमारा 6 पोएम है एनिमल्स, तो ये किसके द्वारा कंपोज की गई है, तो इसका आंसर आएगा वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट है हमारा 112 नंबर का क्वेश्चन, तो ये विच ऑफ दीज इज़ द मैन देम ऑफ द पोएम एनिमल्स, तो इसका आंसर आएगा टू कंपेयर ह्यूमन बीइंग विथ एनिमल टू हाईलाइट द फ्लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट हमारा 113, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू इन द पोएम एनिमल्स, तो इसका आंसर आएगा हमारा एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा 114, तो ये हमारा आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग विच ऑफ दीज फिगर्स ऑफ द स्पीच डज द पोएट यूज इन द अबव लाइन, तो इसका आंसर आएगा हमारा एल्टरेशन। नेक्स्ट है 115, व्हाट डू ह्यूमन लाई अवेक इन द डार्क इन द पोएम एनिमल्स, तो इसका आंसर आएगा हमारा क्राइंग फॉर देयर सिंस। नेक्स्ट है 116, तो व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमन बीइंग गिव अप अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम एनिमल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनोसेंट काइंडनेस ट्रूथफुलनेस यानी फिर ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, तो पहला है अबेकर फ्रॉम द गोवा, तो इसका आंसर आएगा 117 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है व्हाट आर द बेकर्स नाउ एस इन गोवा, तो इसका आंसर आएगा पेडर। नेक्स्ट है 118, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, तो इसका आंसर आएगा लॉब्स ब्रेड बेंगल्स और बनानास ब्रेड, तो यानी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है हमारा 119 क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम डिड द बेकर कम एवरी डे, तो इसका आंसर आएगा हमारा वेरियस डेली। नेक्स्ट है 120, वाज कॉल्ड कबाय, तो इसका आंसर आएगा बेकर्स ड्रेस वाज कॉल्ड कबाय। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 120 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 121 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, तो ये हमारा कुर्ग को लेकर के, तो पहला कुर्ग इज फेमस फॉर, तो इसका आंसर क्या आएगा, किसके लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए। नेक्स्ट 122, वेयर इज़ द कुर्ग सिचुएटेड, तो ये हमारा कहाँ पे है, मैसूर में। 123 है रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द कुर्ग, तो यहाँ से कौन सी नदी जाती है, तो इसका आंसर आएगा कावेरी। नेक्स्ट 124, द क्लाइम टू द हिल ब्रिंग यू इन टू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंट्रीज मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ द कुर्ग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ब्रह्मागिरी। नेक्स्ट है हमारा 125, तो ये व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग, तो इसका आंसर आएगा रिवर राफ्टिंग कैनोइंग माउंट बाइकिंग यानी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारा 126, व्हाट इज रैपलिंग, तो इसका आंसर आएगा हमारा गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टी फ्रॉम असम, तो ये इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज असम पॉपुलरिटी नाउ एस, तो इसका आंसर आएगा टी कंट्री। नेक्स्ट हमारा 128, यूरोप टी वाज ड्रंक एस मोर ऑफ अ देन, तो इसका आंसर आएगा इन यूरोप टी वाज ड्रंक एस मोर ऑफ मेडिसिन देन बिवरेज। नेक्स्ट है हमारा 129 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट वाज डेकवारी, तो इसका आंसर आएगा हमारा नेम ऑफ स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा 130, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी,
तो ये कहाँ स्टडी करते हैं, दिल्ली में। उसके बाद में नेक्स्ट है द ट्रीज, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बर्नी इट फीट इन सैडो, तो इसका आंसर आएगा हमारा 131 का सन। नेक्स्ट हमारा 132 व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर्ड टू, तो ये किससे कंपेयर्ड किए गए हैं, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। नेक्स्ट हमारा 133 व्हाट रीच लाइक अ वॉइस इनटू रूम, तो इसका आंसर आएगा स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचेंस। नेक्स्ट है 134 व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज, तो इसका आंसर आएगा हमारा 134 वाले का विंड, व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज, तो आंसर आएगा विंड। 135 है द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्रीज, तो इसका आंसर आएगा हमारा ओक ट्रीज। नेक्स्ट हमारा द सर्मन एट बनारस, तो 136 नंबर है गौतम बुद्धास अर्लियर नेम बाज, तो इनका अर्लियर नेम क्या था, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है 137 व्हाट मूव सिद्धार्थ टू सीक आउट एनलाइटमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आसिक मैन एन आर्ग मैन अ मॉन्क बिगिनिंग यानी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 138 तो वेयर डिड सिद्धार्थ वाव टू स्टे अनटिल हिज एनलाइटमेंट केम, तो इसका आंसर आएगा हमारा अंडर पीपल्स ट्री। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 139 व्हाट डिड ही नेम द ट्रीज, तो इसका आंसर आएगा हमारा बोधिस ट्री। नेक्स्ट है 140 विच सीड डिड बुद्धा आस्क किशा टू ब्रिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, मस्टर्ड सीड। नेक्स्ट है 141 तो ये है हमारा व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेक किशा रियलाइज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, सी इज ब्रिंगिंग सेल्फिश और डेड इज कॉमन टू ऑल और थर्ड है मैन आर मॉर्टल्स यानी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारा 142 व्हाट डिड बुद्धा टेल किशा अबाउट लाइफ, तो क्या क्या बोला, इट इज ट्रबल्ड इट इज ब्रीफ और कंबाइंड विथ पेन यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 143 नंबर का क्वेश्चन, तो यह है बोथ यंग एंड अडल्ट फूल्स आर वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेथ। नेक्स्ट है 144 इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमॉन, तो इन्होंने कहाँ दिया था, तो इसका आंसर आएगा बनारस। नेक्स्ट है फॉर अन्य ग्रगरी, तो इसका 145 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, तो ये ब्लैक ब्राउन और कैरेट यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 146 व्हाट इज़ द मूड ऑफ द यंग मैन, तो इसका आंसर आ जाएगा सैड। नेक्स्ट है 147 व्हाट डज द गर्ल वांट, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू बी लव्ड फॉर हरसेल्फ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 148 व्हाट इज़ द कलर ऑफ रैमपार्ट ऑफ द यंग लेडी, तो इसका आंसर क्या आएगा, हॉर्नी। नेक्स्ट है उसके बाद में 149 हु इज पोएट ऑफ द पोएम फॉर अन्य गगरी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, विलियम बुटलेन ईट। नेक्स्ट है हमारा 150 तो ये हमारा व्हाट मैटर फॉर द गॉड मोर टू लव ह्यूमन बींग्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, द इनर क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। उसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्रेक्ट फ्रॉम प्रोज, तो ये हमारा रीडिंग सेक्शन में से जिसमें से आपको आंसर स्टार्ट करके लिखना है, तो ये आपने सारे पढ़े ही होंगे, तो एक काम करता हूँ बगैर पैराग्राफ पढ़ के आपको फटाफट इनके क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में भी आएंगे, आपने पहले से पढ़ रखा है इस वजह से। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहला पैराग्राफ है हमारा वेयर डिड वांडास सिट इन द क्लासरूम, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन द लास्ट सीट। सेकेंड है हमारा द एडजेक्शन फॉर्म द वर्ड एब्सेंस इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, एब्सेंट। नेक्स्ट हमारा थर्ड फ्रॉम विच लेसन हैज़ द टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये कौन सी उससे लिया गया है, तो द 100 ड्रेसेस से। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, तो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ वॉज द वेदर वेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन,
तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, क्लीन। नेक्स्ट है हमारा द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्रांस टू इंग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ब्लैक एरोप्लेन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन थर्ड, तो इसमें हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम विच लेसन हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन, तो जो ये है हमारा ये किस में से लिया गया है, अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट है सेकंड, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो लेंचो का हाउस कहाँ पे सिचुएटेड था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, फिल आउट द वर्ड्स फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज़ सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, तो क्लोजली के सिमिलर क्या है, इंटीमेटली। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन नंबर फोर, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, तो ये किसके द्वारा लिया गया, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, अ मैन हु टेकन अवे अनदर मैंस फ्रीडम इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रिजनर ऑफ हेटर्स। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड, तो इसका आंसर क्या आएगा, नैरो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्शन फिफ्थ, तो ये इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन, तो जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नेल्सन मंडेला से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा इन द अबव टेक्स्ट आई रेफर टू, तो इसका आंसर आएगा, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट हमारा द सेरेमनी टुक प्लेस इन, तो ये कहाँ पे थी, तो इसका आंसर आएगा प्रिटोरिया। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन सिक्स, तो इसमें फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये वाला टेक्स्ट हमारा कहाँ से लिया गया, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। नेक्स्ट हमारा सेकंड, हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैन। नेक्स्ट हमारा थर्ड, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रोडिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, हैप्पी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम पोएम, तो जो पोएम है वो भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो पहली हमारी क्या है, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन, तो जो अबव लाइन है वो हमारी किससे ली गई है, आ टाइगर इन द जू। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइट। नेक्स्ट है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्रिलियंट का अपोजिट होता है डल। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन सेकंड, तो सेकंड हमारा क्या है, फ्रॉम विच ऑफ द पोएम हैज़ अबव लाइन बीन टेकन, तो ऊपर वाली लाइन हमारी ले गई है द बैल पोएम से। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड मेरिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, हैप्पली। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, वेयर डिड द बॉल गो, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा द बॉल बैंड टू द वाटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन थर्ड, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं थर्ड वाले को। पहला क्वेश्चन है इसका हमारा थर्ड का, हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव पोएम, तो जो ये अबव पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है वेयर वाज द क्रो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑन हेमलॉक ट्री। थर्ड है द पोएट मूड गोट चेंज वैन, तो इसका आंसर क्या आएगा, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। नेक्स्ट है फोर्थ, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, तो इसका आंसर क्या आएगा, शोरो। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन है हमारा फोर्थ, तो इसका पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द दीज लाइन्स, तो इनका पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, तो इसका आंसर आएगा डिज़ायर। नेक्स्ट है थर्ड, विथ होम डज द पोएट वांट टू स्टे, तो इसका आंसर आएगा दोज हु फेवर फायर। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन फिफ्थ, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, तो जो ये लाइन्स है वो कहाँ से ली गई हैं, फायर एंड आइस। सेकेंड है हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेरिस, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, डाइड। थर्ड है हमारा हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा,
ये लाइंस किसने लिखी हुई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का एक्सट्रैक्शन। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज आई रेफर इन द अबव लाइन? तो इसका आंसर आएगा वॉल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट है सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिड? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पीसफुल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन बीन टेकन? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एनिमल्स। उसके बाद में ये फर्स्ट फ्लाइट के आपके क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये आपको खुद को याद करने हैं, और इसकी PDF आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगी। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जैसा भी वीडियो आपको लगा हो, और आपके सारे फ्रेंड के साथ शेयर करना। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।